आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी उचित समय पर अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। मनीष सिसोदिया उत्तरी गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार रात ऊंझा कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद सिसोदिया ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पार्टी उचित समय पर सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। जनता को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हमें गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नेता होने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी स्कूलों के मानक और गुणवत्ता में सुधार करेंगे जो निजी स्कूलों के बराबर होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने काम के लिए जानी जाती है। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता के धन का इस्तेमाल लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए, ना कि कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा शनिवार सुबह राजकोट पहुंचे और पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्हें गुजरात चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य का दौरा करेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।